देखिए ये तीन हांडियों में चाय बन रही है भैया, थोड़ा सा हम खिलाएंगे तो पार्टी हो जाएगी। चलिए आज पार्टी हमारी, सॉस वगैरह सारे बिस्किट्स वगैरह और ये हांडी चाय। काफ़ी यूनिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हांडी चाय। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव आप सभी को। और मैं अभी आ चुकी हूँ संकट मोचन पे स्थित हांडी चाय वाली की दुकान पर। जी हाँ, इनका दुकान काफ़ी फेमस हो चुका है इस समय हांडी चाय के नाम पर। और ये संकट मोचन के पास ही स्थित है, रास्ते संकट मोचन गया हुआ उधर से भी मिल जाएगा रास्ता। और एक जो बैक साइड रास्ता है देखिए, इधर से भी और इधर से भी ये रास्ता पर आपको ये चाय की दुकान मिल जाएगी। हांडी चाय के नाम से इनकी दुकान काफ़ी मशहूर है क्योंकि इनकी चाय हांडी में बनती है। तो आइए देखते हैं कि चाय कैसे बनाती है और क्या क्या चीज़ें चाय के और भी क्या चीज़ सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं मैगी यहाँ पर, क्रीम रोल वगैरह और ये सॉस वगैरह, सारे बिस्किट्स वगैरह और ये हांडी चाय। जी हाँ, ये हांडी चाय के नाम से इनकी शॉप बहुत ही फेमस हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चाय बनाई भी जा रही है। ये देखिए, वे उधर से आए क्या? अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हांडी रखी हुई है और इस तरह से हांडी में चाय बनाते हैं और पुरवे में ही सर्व करते हैं। और चाय के साथ यहाँ पे मैगी है, पास्ता है, काफ़ी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें भी रखते हैं, देख सकते हैं। चलिए इनकी दुकान पर चलते हैं, भैया से खुद ही बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ बन रही है मैगी। ये देखिए, और यहाँ पर बन रही है चाय। देखिए ये तीन हांडियों में चाय बन रही है। भैया थोड़ा सा अपनी दुकान का कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, मेरे शॉप का नाम है हांडी चाय वाला और मेरा शॉप संकट मोचन के पास है, पुरानी गली के बगल में। जैसे आप ये देख रहे हैं जो पीतल का हांडी है, इसमें हम पहले दूध को उबालते हैं अच्छी तरह से। जब दूध उबल जाता है तो फिर मैं इसमें डालता हूँ, इसमें चाय पत्ती डालते हैं और चीनी डालते हैं। यहाँ से कम्प्लीट होता है तो फिर इसके अंदर आता है, इसमें आता है तो पूरा ये कम्प्लीटेड यहाँ पर तुलसी और गुलाब और केसर डाल के कम्प्लीट होता है। चाय के साथ क्या और आप देते हैं? हमारे हांडी चाय है, हांडी लस्सी है, हांडी मैगी है, हांडी कॉफ़ी है। हमारे के जितने आइटम बनते हैं ज़्यादातर हांडी में ही बनते हैं। तो मतलब हांडी में ही देते हैं जी। और दाम की बात की, दाम क्या रहता है? दाम हमारे के देखिए, जैसे चाय का है अब ये कुल्लर है तो ये 10 रुपये का है। अच्छा। जी, थोड़े से बड़े हो जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 15 रुपये का। तो ऐसे करके हमारे के दाम है और अलग अलग वेराइटी का भी हमारे के चाय है। करीब करीब 10 तरह की चाय हमारे के मिलते हैं। तंदूरी चाय है, हांडी चाय है, केसरिया चाय है, हांडी मलाई चाय है, तो इस तरह से मिलाकर के 10 चाय हैं। 10 चाय जी, मसाला चाय है जी। लोकेशन पे आपने संकट मोचन के पास है ना? जी, संकट मोचन पुरानी गली के जस्ट बगल में है। जी, अभी कुछ भीड़ भाड़ मुझे कम दिखाई दे रही है, शाम को लग दोपहर इस सुबह और शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ऐसा। एक्चुअली हमारा अंदर बैठने का व्यवस्था है तो काफ़ी भीड़ अंदर बैठे हुए लोग हैं। एक बार आप अंदर भी देख लीजिए। यहाँ से तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये आपका अंदर जाने के लिए एंट्रेंस एरिया भी है। ये देखिए, हांडी चाय के नाम पर देख सकते हैं कितना सुंदर प्राइस डेकोरेट किया गया है छोटे से स्टॉल को। ये देखिए इस तरह से यहाँ बॉयज पार्टी भी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। हम खिलाएंगे तो पार्टी हो जाएगी। चलिए आज पार्टी हमारी तरफ से। वीडियो के लिए सर बोलना ही नहीं है, कराना भी है। के बाद हम आपके मैं फंसा दी हमको है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रही, छोटी सी गॉसिप हो रही है यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह से डेकोर किया गया है इस पूरे ही दुकान को, देखिए। और ये रखी गई है कोल्ड ड्रिंक्स की, आराम से आप बैठिए। काफ़ी यूनिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हांडी चाय वाले के नाम पर ये स्टॉल बनी हुई है।
आपको बाहर कंफर्टेबल ना हो तो आप अंदर ही बैठ सकते हैं। जैसे ये बॉयज़ बैठे हुए हैं, उधर उधर क्या है, हाँ दीदी पार्टी देने वाली है, इतने भैया लोग हैं पार्टी हम देंगे। हाँ यहाँ क्या है, ये जनरेटर रखा हुआ है। अच्छा और अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दुकान है, आप आइए यहाँ पे विज़िट करिए संकट मोचन के पास हांडी चाय वाली की दुकान पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये शॉप है फ्रेंड्स, और इनकी चाय या मैगी का भी लुत्फ़ उठाइए। देखिए लस्सी भी रखी गई है और यहाँ मैगी दिखाई दिया मैंने, सभी कुछ आपको इस तरह से मिट्टी के बर्तन में मिलेगी। ये देखिए, अच्छा दाम क्या है मैगी का आप बोलिए, दाम कितना है मैगी का? 130 रुपये पनीर चीज़ मैगी। अच्छा पनीर चीज़ मैगी का 130 रुपया दाम है, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये पूरा प्रिपरेशन यही स्टॉल पर ही किया जाता है और देखिए यहाँ पर इस तरह से ये शॉप है, आइए और विज़िट करिए। तो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोग भी जान सके कि हमारे वाराणसी में कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कौन सी दुकान काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ हांडी पे चाय मिलती है जो कि बहुत अच्छी होती है, किस तरह से पूरा ही प्रिपरेशन यहाँ पे हांडी के चाय बनाने के वो मैं दिखाई दिया आप सभी को। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और आइए तो चाय पीजिए, हमारे बनारस की ब्रांच चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो आइए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हर हर महादेव। सुशीला सेठ ब्लॉग, एक मिनट।